हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सॉल्विंग अड्डा में। फ्रेंड्स, आप जब अपने देखेंगे चरक सूत्र 4 षड विरेचन शताशीतीय अध्याय। ठीक है, षड विरेचन शताशीतीय अध्याय में क्या दे रखा है, जो कि चरक सूत्र का 4th चैप्टर है। अध्यायगत विषय वर्णन की भूमिका इसमें 600 वमन विरेचन योग। ठीक है, कितने वमन विरेचन योग होते हैं टोटल 600, मतलब 600 एमेटिक्स एंड परगेटिव प्रिपरेशंस, विभिन्न वामक और रेचक द्रव्यों के 600 योग, विरेचन द्रव्यों के आश्रय। ठीक है, तो वामक तथा रेचक द्रव्यों के 600 योग बताएं और इसमें विरेचन द्रव्यों के आश्रय बताएं। ठीक है, फिर बताया नेक्स्ट बताया षड कषाय योनिया तथा पंच कषाय कल्पना। 6 कषाय योनिया बताइए और पंच कषाय कल्पना बताइए। 5 सोर्सेस ऑफ डिकॉक्टिव्स एंड देयर 5 वेराइटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन। ठीक है, 5 सोर्स बताए हैं डिकॉक्टिव्स के और 5 वेराइटीज फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन की। पंच कषाय योनिया, पंच कषाय योनिया में क्या है, पंचविध कषाय कल्पना। पंचविध कषाय कल्पना कौन कौन सी, सरस, एक्सप्रेसिस जूस। ठीक है, एक्सप्रेसिस जूस सरस का लक्षण। फिर इसने कल का लक्षण बताया, कात का लक्षण बताया, शीत का लक्षण बताया, फांट का लक्षण बताया। फिर पंचविध कषाय कल्पना के गुणों में तारतम्य बताया। ठीक है, स्वरस मतलब एक्सप्रेसिस जूस। ठीक है, कल्प पेस्ट होता है, क्वात डिकॉक्शन कहलाता है, शीत कोल्ड इन्फ्यूजन, फांट हॉट इन्फ्यूजन। ठीक है, शीत और फांट में अंतर समझ में आकर, कोशी ठंडा होता है, फांट हॉट इन्फ्यूजन होता है। ठीक है, पंच कषाय कल्पना के गुणों में तारतम्य बताया। फिर 50 महाकषाय तथा 500 कषाय बताए इसने। फिर 50 महाकषाय बताए, महाकषाय में क्या होता है, 10 मेडिसिन का एक कंटेंट होता है, 10 द्रव्यों का कंटेंट एक होता है महाकषाय। ठीक है, तो उसमें 500 कषाय, एक एक सिंगल बोलो तो 500 कषाय बताएं। 50 क्लासेस ऑफ डिकॉक्टिव्स एंड 500 डिकॉक्टिव्स बताएं। ठीक है, 50 क्लास बताइए डिकॉक्टिव की और 500 डिकॉक्टिव्स बताएं। ठीक है, तो एक एक करके देख ले रहे कौन कौन से हैं। 50 महाकषाय में के नाम देख ले रहे, सबसे पहले जीवनीय, जीवनीय मतलब न्यूट्रिएंट्स महाकषाय। ठीक है, जीवनीय को इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स बोल दिया, जीवनीय महाकषाय। फिर आता है भ्रंगणीय महाकषाय, भ्रंगणीय से भ्रंगण होगा, वेट प्रमोशन ड्रग और रोबरेनस। ठीक है, तो जिनसे वेट बढ़ सकता है तो भ्रंगणीय महाकषाय हो गया। लेखनीय महाकषाय, वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स। ठीक है, लेखनीय मतलब जिनसे वेट आपका कम हो सकता है। ठीक है, और फिर भेदनीय कषाय, भेदनीय कषाय कौन से होते हैं, परगेटिव, जिससे आपको स्टूल जल्दी इजीली पास हो। संधानीय महाकषाय, यूनियन प्रोमोटर्स, ये क्या है, संधान करेंगे, यूनियन बनाए एक तरीके से जोड़ेंगे। दीपनीय महाकषाय, स्टमचेस एंड डाइजेस्टिव। ठीक है, तो ये दीपनीय महाकषाय है, तो ये डाइजेस्टिव मतलब इनसे भूख अगर थोड़ी सही हो जाएगी। बल्य महाकषाय, बल्य महाकषाय से टॉनिक्स कह सकते हो। वर्ण महाकषाय, कॉम्प्लेक्शन प्रोमोटर्स, वर्ण मतलब आपका कलर के रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो वर्णय महाकषाय। फिर आता कंठ महाकषाय, वॉइस प्रोमोटर्स, अगर सही आवाज़ सही नहीं तो उसमें कंठ महाकषाय। हृदय महाकषाय, कार्डियक टॉनिक्स कह सकते हो आप इसे। ठीक है, हृदय पे काम करें। तृप्तिघ्न महाकषाय, एपेटाइजर्स दे सकते हैं आप, तृप्तिघ्न को बोल सकते हैं एपेटाइजर से भूख वगैरह लेकर। अर्शोघ्न महाकषाय, एंटी हेमोरॉइडल्स। ठीक है, तो एंटी हेमोरॉइडल्स, किसी को हेमोरॉइड्स हो गया, अर्श हो गया, तो उसमें। कुष्ठघ्न महाकषाय, क्यूरेटिव्स और डर्माटोसिस, क्यूरेटिव ऑफ डर्माटोसिस। कुष्ठघ्न महाकषाय, क्यूरेटिव ऑफ डर्माटोसिस। कंडुघ्न महाकषाय, कंडुघ्न महाकषाय होते हैं एंटी प्रूरेटिक्स महाकषाय। ठीक है, जिससे खुजली मिट जाए। कृमिघ्न महाकषाय, कृमिघ्न महाकषाय एंटी हेलमिंथिक्स हो जाएगा, तो जिससे कीड़े मर जाएं। विषघ्न महाकषाय, विषघ्न महाकषाय हो जाएगा एंटीडोट्स, एंटीडोट्स। स्तन्यजनन महाकषाय, स्तन्यजनन महाकषाय गैलेक्टोकोक्स। ठीक है, जिनसे आपका दूध वगैरह निकलता है। स्तन्य शोधन महाकषाय, गैलेक्टो प्यूरीफायर्स। ठीक है, तो दूध जिनसे प्यूरीफाई हो जाएगा। शुक्रजनन महाकषाय, शुक्रजनन महाकषाय होता है सेमेनो और स्पर्मोपोएटिक्स। ठीक है, सेमेनो और स्पर्मोपोएटिक्स, ठीक है, जिससे स्पर्म वगैरह बनेगा। शुक्रशोधन महाकषाय, सेमेनो और स्पर्मो प्यूरीफायर्स, जिनसे मतलब आपका स्पर्म प्यूरीफाई होंगे। स्नेहोपाक महाकषाय, एडजुवेंट्स इन ओलिएशन थेरेपी। स्नेहोपाक मतलब तेल लगाना एक तरीके से। स्वेदोपाक महाकषाय, एडजुवेंट्स इन सुडेशन थेरेपी। ठीक है, जिनसे पसीना वसीना आ जाए तो स्वेदोपाक महाकषाय हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा वमनोपक महाकषाय, एडजुवेंट सिनेमैटिक थेरेपी। ठीक है, तो इनसे वमन होता है। विरेचनोपक महाकषाय, जो परगेटिव एडजुवेंट्स इन परगेटिव थेरेपी, विरेचन कराने में स्टूल पास कराना। स्थापनोपक महाकषाय, एडजुवेंट्स इन नॉन ऑयली मैटिक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉन ऑयल अस्थापन बस्ती देने का काम आएगा। नॉन मैटिक अनुवासनोपक महाकषाय, एडजुवेंट्स इन ऑयली एनेमेटा। ठीक है, एनेमा दिया था अनुवासनोपक। ठीक है, तो उसमें
हाँ तेल लगा करके इस तरीके से होगा। सेरोवेजनोपक वहाँ का है जिनसे ठीक है एडजुवेंट्स इन एरेंस ठीक है। तो नाक से आपको जो उस बाहर निकालता है सेरोवेजनोपक महाकसाय का यूज करें। छद्म निग्रहण महाकसाय एंटी मेट्रिक, छद्म निग्रहण मतलब जिससे वमन आप रोकेंगे ठीक है, तो वो हो गया छद्म निग्रहण। तो छद्म मतलब वमन होता है, उसका निग्रहण मतलब उसको रोकेंगे। तृष्णा निग्रहण एंटी थर्स्ट महाकसाय ठीक है, तो उसको ख़त्म करेंगे एक तरीके, निग्रह मतलब उसको ख़त्म करना या उसको रोकना ठीक है। तो त्रिशूल निग्रह से एंटी थर्स्ट महाकसाय होता है। हिक्का निग्रहण महाकसाय एंटी हिकअप ठीक है। तो अपूरी संग्रहणीय महाकसाय इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट ठीक है, पूरी संग्रहणीय महाकसाय हो जाएगा ठीक है। तो पूरी विरजनीय महाकसाय करेक्टिव्स ऑफ फीकल पिगमेंट्स, तो पूरी विरजनीय महाकसाय हो जाएगा। पूरी संग्रहणीय महाकसाय यूरिनरी एस्ट्रिंजेंट ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर मूत्र विरंजनीय महाकसाय, मूत्र विरंजनीय महाकसाय करेक्टिव्स ऑफ यूरिनरी पिगमेंट्स। मूत्र विरेचनीय महाकसाय डायरेटिक्स होगा, मूत्र विरेचन मतलब डायरेटिक्स। कासर महाकसाय ब्रोंकियल सेडेटिव्स होते हैं। श्वासर महाकसाय ब्रोंकियल एंटीस्पाज्मोटिक होता है, श्वासर ब्रोंकियल एंटीस्पाज्मोटिक, किसी को अस्थमा वगैरह टाइप से हो रहा है तो उसमें ब्रोंकियल एंटीस्पाज्मोटिक होता है श्वासर महाकसाय। कासर ब्रोंकियल सेडेटिव्स। शोथर महाकसाय एंटी ड्रिप्सी ठीक है, एंटी ड्रिपोसी एंटी मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी आप कह सकते हैं शोथर महाकसाय ठीक है। ज्वरहर महाकसाय एंटी पायरेटिक्स मतलब जिससे आपका फीवर वगैरह उतरे। शमहर महाकसाय एंटी फटीक महाकसाय ठीक है। और दाप रश्मन महाकसाय एंटी बर्निंग सिंड्रोम ठीक है, मतलब जो भी आपका जीआरडी टाइप से तो वो चीज़ नहीं होगी, तो इससे दाप रश्मन महाकसाय। शीत प्रश्मन महाकसाय कैलिफेक्शन ठीक है, तो इससे क्या किसी को ठंड ज़्यादा लग रही तो उसमें शीत प्रश्मन महाकसाय दे देंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका उदर प्रश्मन महाकसाय एंटी अर्टिकेरियल्स ठीक है, तो किसी को स्किन में डिजीज हो रही है तो उसका उदर प्रश्मन महाकसाय। अंगमर्द प्रश्मन महाकसाय रिस्टोरेटिव्स देंगे उसमें ठीक है। तो अंगमर्द शूर प्रश्मन महाकसाय एनाल्जेसिक्स, किसी का पेन वगैरह तो शूर प्रश्मन महाकसाय। सोणित स्थापन महाकसाय तो हीमोस्टेटिक्स, जिसके ब्लीडिंग हो रही है तो सोणित स्थापन दे सकते हैं। वेदना स्थापन महाकसाय एनोडाइंस ठीक है, किसी का पेन हो रहा तो वहाँ पे वेदना स्थापन महाकसाय दे सकते हैं। संज्ञा स्थापन महाकसाय रिसक्सिटेटिव, संज्ञा स्थापन मतलब किसी को सांस नहीं आता तो वहाँ पे संज्ञा स्थापन महाकसाय का यूज़ करेंगे। प्रजा स्थापन महाकसाय प्रोक्रिएंट्स ठीक है, तो इसमें किसी के बच्चा अच्छा पैदा नहीं हो तो प्रजा स्थापन महाकसाय यूज़ कर सकते हैं। वय स्थापन महाकसाय रिजुविनेटर्स, किसी को अपनी एज मतलब कहते हैं एज थम सी जाए तो हाँ वहाँ वय स्थापन महाकसाय यूज करते हैं। 50 महाकसाय का उपसंहार लास्ट में दे रखा है। अति संक्षेप या अति विस्तार से वर्णन का प्रयोजन बताया गया। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में बताया कषाय संख्या, पूर्ति विषयक प्रश्न, क्वेश्चन अबाउट टोटल नंबर ऑफ डिकॉक्टर्स। 500 कषायों की संख्या पूर्ति के बारे में शंका का समाधान अध्याय में वर्णित विषय संग्रह ठीक है। तो ये सब चीज़ें और ये महाकसाय का आपका यूज़ कहाँ पे है किस तरीके से आप देख सकते हो, क्यों भी जैसे जो कंपनीज मेडिसिन बनाती है उससे रिलेटेड, जैसे शोणित स्थापन को इसी को हिमाटोस्टैटिक बनाएगी हिमाटोस्टैटिक, तो उसमें ज़्यादातर आपको इन्हीं महाकसाय में से सारी ड्रग्स मिल जाएंगी, कोई एक खास औषधियाँ मिल जाएंगी। तो इसलिए आप अगर सिर्फ 550 महाकसाय भी याद रखते हो तो अपने आप एक पर्टिकुलर पूरा क्लिनिक चला सकते हैं इसी के बेस पे। तो अगर याद कर सकते हो तो उसको याद करिए, याद कर लेते हैं। थैंक यू।